हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे पर मैंने पहले भी दो तीन वीडियो अपलोड किए हैं जो कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है जिनसे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज से हम इकोनॉमिक सर्वे को चैप्टर वाइज चालू करेंगे। जैसे कि आपके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में अध्याय एक, अध्याय दो, अध्याय तीन ऐसे करके आगे बढ़ा हुआ है, वैसे हम एक बार में एक अध्याय उठाकर उसे पूरा कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा है पहला अध्याय जिसमें दिया गया है आपके इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में आर्थिक स्थिति एक समीक्षा करके। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा से ये सारे आंकड़े उठाए गए हैं। बस बीच का ये जो आंकड़ा है ये मैंने आपको पहले बताया था और इसमें कुछ अपडेशन दिया गया है, तो वो अपडेशन के साथ मैं ये आंकड़े थोड़े आपको बताऊंगा। बाकी ये ऊपर वाला पोर्शन और इधर का ये पूरा पोर्शन ये आपकी आर्थिक स्थिति एक समीक्षा वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है क्रय शक्ति अनुपात। क्रय शक्ति अनुपात होता क्या है पहले उसे समझ लीजिए परिभाषा से, फिर हम उसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। क्रय शक्ति समता या PPP परचेसिंग पावर पैरिटी। क्रय शक्ति समता से आशय किन्हीं भी दो देशों के बीच एक प्रकार की वस्तु और सेवाओं की मौजूदा कीमतों में अंतर से है। क्रय शक्ति समता से आशय किन्हीं भी दो देशों के बीच एक प्रकार की वस्तु और सेवाओं की मौजूदा कीमत में अंतर से है। इस क्रय शक्ति समता से हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी दो देशों के मध्य मुद्रा की क्रय शक्ति की समानता तथा उसके मध्य अंतर ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा क्रय शक्ति अनुपात मुद्रा विनिमय दर मीन्स करेंसी एक्सचेंज रेट तय करने पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए इसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे इस मार्कर की कीमत अभी इंडिया पे है आपका ₹50 इस मार्कर की कीमत है। अब हम बात करते हैं अमेरिका में। अमेरिका में इस मार्कर की कीमत है आपकी $1। $1 में अमेरिका में ये एक मार्कर मिल रहा है और इंडिया मिल रहा है ₹50 में ये एक मार्कर। तो देखिए दोनों की मुद्रा की क्रय शक्ति में अंतर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्रय शक्ति समता अनुपात निर्भर करता है वस्तु की मात्रा और उसकी मौजूदा कीमतों पर। वस्तु की मात्रा और उसकी मौजूदा कीमतों के आधार पर ही हम क्रय शक्ति समता निकालते हैं। क्रय शक्ति समता GDP से थोड़ा अलग होता है। देखिए मेरे पास ₹50 है तो वो ₹50 हुआ मेरा GDP, लेकिन उस ₹50 से मैं ये एक मार्कर खरीद रहा हूँ तो वो हुई मेरी क्रय शक्ति। तो हमारी क्रय शक्ति कितनी है आपकी ₹50। अमेरिका की क्रय शक्ति कितनी है $1। लेकिन ये जो इसमें आंकड़े जारी होते हैं या जो इसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार जो पता किया जाता है वो एक समान मतलब वस्तु की मात्रा तथा उसकी मौजूदा कीमत इन दो चीज़ों पर वो निर्भर करता है, ठीक है। तो इस क्रय शक्ति अनुपात में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी जो कुछ दिन पहले हुआ था लेबर इंस्पेक्टर उसमें डायरेक्ट प्रश्न आया था कि क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत विश्व की अर्थव्यवस्था है, जिसमें चौथी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, छठवीं अर्थव्यवस्था ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए थे। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में पहले अध्याय का पहला ही लाइन है, जिसने पढ़ा होगा उसने एग्जैक्ट आंसर लगाया होगा कि देखिए क्रय शक्ति के अनुपात के आधार पर, क्रय शक्ति अनुपात के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर है $23,000 बिलियन के साथ आपका चाइना, सेकंड नंबर पर है $19,000 बिलियन के साथ आपका अमेरिका और तीसरे नंबर पर है अपना इंडिया $9,446 US बिलियन, $9,446 US बिलियन। इसके साथ भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा कि पहले नंबर पर है आपका चाइना, सेकंड पर है अमेरिका, थर्ड नंबर पर है हमारा इंडिया, चौथे पर है जापान, पांचवे पर जर्मनी और छठवें पर रशिया। तो ये शुरू के दो तीन सीरीज़ में से याद रखिएगा इन नामों को। नेक्स्ट चलते हैं महंगाई दर। ये दोनों आंकड़े मैंने आपको पहले बताए थे लेकिन अभी इसे एक बार फिर से बता देता हूँ। वर्ष 2017-18 में भारत में महंगाई दर है आपकी 3.3%। 2017-18 में, 2017-18 में भारत में महंगाई दर थी आपकी 3.3%। बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर अभी हाल ही में अपडेट हुआ है आपका जुलाई 2018 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें उसने कहा था कि भारत में वर्ष 2018 में बेरोजगारी दर रहेगी आपकी 3.5%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2018 में बेरोजगारी दर रहेगी 3.5%। इसके अलावा भारत में लगभग 77% रोजगार असुरक्षित है,
ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए 77% रोजगार असुरक्षित है, इसका मतलब जैसे आपने आप सुनते होंगे इस रिसेशन के दौर में प्राइवेट सेक्टर और आईटी सेक्टर की कंपनियां अपने मौजूदा कर्मचारियों को निकालना चालू करती है, तो यही है आपकी जॉब इनसिक्योरिटी। मतलब कभी भी इनको रिसेशन के दौर का सामना करना पड़ता है, मतलब उनकी मौजूदा में वो रोजगार पर है लेकिन उनका रोजगार असुरक्षित है। तो यही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 77% रोजगार असुरक्षित है, जबकि भारत में बेरोजगारी दर वर्ष 2018 में बनी रहेगी आपकी 3.5%। अब नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इस पर मैंने पहले बताया था आपको लेकिन आज फिर से बताता हूँ। पिछले बार हमने छत्तीसगढ़ का बस देखा था, इस बार छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों को देखते हैं। देखिए भारत में मातृत्व मृत्यु दर होता क्या है, प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या मातृत्व मृत्यु दर में काउंट होती है। ये मातृत्व मृत्यु दर का रिपोर्ट अभी हाल ही 2018 में जारी हुआ है। देखिए मातृत्व मृत्यु दर हो या शिशु मृत्यु दर हो, दोनों का रिपोर्ट भारत में भारत सरकार की एक एजेंसी है SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके द्वारा जारी किया जाता है ये मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की रिपोर्ट। मातृत्व मृत्यु दर का रिपोर्ट 2018 में अभी अपडेट हुआ है, जबकि ये जो शिशु मृत्यु दर है ये 2016 के बाद से अपडेट नहीं हुआ है। देखिए मातृत्व मृत्यु दर की गणना प्रति लाख में की जाती है, जबकि शिशु मृत्यु दर की गणना प्रति हजार में होती है। तो ये दोनों को भी याद रखिए कि कौन किसमें प्रति लाख है और किसमें प्रति हजार है, मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख और शिशु मृत्यु दर प्रति हजार। अब भारत में मातृत्व मृत्यु दर है आपका 130 प्रति लाख, जबकि छत्तीसगढ़ में आपका मातृत्व मृत्यु दर है 173 प्रति लाख। आर्थिक सर्वेक्षण में जगह जगह पे आपको देखने मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर है आपका 221 प्रति लाख, लेकिन ये अभी हाल ही में अपडेट हुआ है। तो याद रखिएगा मातृत्व मृत्यु दर भारत में है 130 प्रति लाख, जबकि छत्तीसगढ़ में है 173 प्रति लाख। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम है ये हमारे केरला में। ठीक, मातृत्व मृत्यु दर की बात करें या शिशु मृत्यु दर की बात करें, दोनों में न्यूनतम है केरला में। अब देखिए शिशु मृत्यु दर, इसकी रिपोर्ट 2016 में आई थी, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने जारी किया था, जिसके अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर है आपका 34 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर भारत में 34 प्रति हजार, जबकि छत्तीसगढ़ में है 39 प्रति हजार। ये वर्ष 2016 तक की स्थिति है। तो इस शिशु मृत्यु दर में भी केरला सबसे न्यूनतम है, केरला में शिशु मृत्यु दर बहुत, मतलब केरला में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है, याद रखिएगा। अब ये एक अपडेट मेरे को आपको बताना था, यूनिसेफ, ये रिपोर्ट आया था आपका फरवरी 2018 में। यूनिसेफ जो कि UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो इसके द्वारा वर्ष 2018 में ये शिशु मृत्यु दर के ऊपर एक रिपोर्ट जारी हुआ था। इसमें इसने दो कैटेगरी में आपकी रिपोर्ट जारी करी थी, एक थी आपकी बेस्ट नेशन मीन्स श्रेष्ठ देश और दूसरा वर्स्ट नेशन मीन्स खराब राष्ट्र। तो इसमें इसने भारत को खराब राष्ट्रों की सूची में रखा है। ये जो यूनिसेफ की रिपोर्ट जारी होती है ये शिशुओं के जन्म से पहले, मतलब गर्भावस्था में जब वो शिशु होते हैं तब से लेकर के उनके जन्म के बाद कुछ महीनों तक जो उनको पोषण उपलब्ध कराया जाता है उसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो उसके आधार पर भारत में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर है आपका 25.4%, यानी 25.4% वर्तमान में भारत में शिशु मृत्यु दर है। और इसके साथ ये यूनिसेफ की वर्स्ट नेशन मीन्स खराब राष्ट्रों की सूची में शामिल है। इसमें जो बेस्ट नेशन यानी जो श्रेष्ठ राज्यों की सूची में सबसे टॉप पर है आपका जापान, जबकि वर्स्ट नेशन यानी खराब राष्ट्रों की सूची में सबसे टॉप पर है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान नवजात शिशुओं के जो मृत्यु दर के मामले पे सबसे खराब स्थिति में चल रहा है। तो याद रखिएगा टॉप पर है जापान बेस्ट नेशन की सूची में, जबकि वर्स्ट नेशन यानी खराब राष्ट्रों की सूची में पाकिस्तान आपके पहले नंबर पर है। भारत उसी खराब राष्ट्रों की सूची में 12वें स्थान पर है। तो ये सारे आंकड़ों को याद रखिएगा, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको केवल बस ये दो आंकड़े बताए थे, ये दो आंकड़ों को आप अपडेट कर लीजिएगा जो कि इंडिया के हैं, और ये यूनिसेफ को अलग से याद रखिएगा। यदि सिंपली पूछा गया कि भारत में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितना है तो आप इसे लगाइएगा, यदि स्पेसिफाई करके पूछा यूनिसेफ या UNO द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितना है तो आप इसे लगाइएगा 25.4%। नेक्स्ट है आपका सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि वर्ष 2017-18।
जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त पैमाना होता है आपका जीडीपी। जीडीपी के तीन प्रमुख घटक होते हैं कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। जैसे कि हम पढ़ते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट या जीडीपी विकास दर, तो वैसे ही हमको और एक आंकड़े याद करने पड़ते हैं कि ये कृषि क्षेत्र में कितना विकास हुआ या कितनी वृद्धि दर रही उसकी, उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में इन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसे हमें अलग से याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इसे थोड़ा सेपरेट करके याद कीजिएगा, स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर। पीएससी और व्यापम देखिए अभी कुछ ज़्यादा स्थिर भाव से प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे अभी लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ से तो नहीं लेकिन इंडिया लेवल से पूछा, उसमें भी उसने इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न पूछे वो स्थिर भाव पर पूछे। तो देखिए ये कृषि और उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसे स्थिर भाव पर अलग से याद कीजिएगा और प्रचलित भाव पर अलग से उसे सेपरेट याद कीजिएगा। कृषि क्षेत्र में हुआ 2.89% की वृद्धि, यानी 2.89% की वृद्धि हुई अभी कृषि क्षेत्र में वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में। स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि रही 2.89%, वैसे ही उद्योग क्षेत्र में रहा 5.84%, सेवा क्षेत्र में रहा 9.46%। ठीक है, तो ये तीनों आंकड़े को स्थिर भाव की कीमतों के आधार पर याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र में 2.89%, उद्योग क्षेत्र में 5.84%, जबकि सेवा क्षेत्र में 9.46% की वृद्धि हुई स्थिर भाव पर। वैसे ही जीडीपी, जीएसडीपी छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ रेट या विकास दर रहा आपका 6.65%। ये किस पर है? स्थिर भाव पर। स्थिर भाव पर विकास दर रहा 6.65%, जबकि प्रचलित भाव पर रहा 11.22%। दोनों को स्पेशली याद रखिएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर या विकास दर पूछे, स्थिर भाव पर पूछेगा तो 6.65%, जबकि आपका प्रचलित भाव पर पूछेगा तो 11.22%, 11-22% ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, देखिए वैसे ही कृषि क्षेत्र में प्रचलित भाव पर वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में कृषि क्षेत्र में प्रचलित भाव पर विकास दर क्या रहा, तो 14.31%। जो प्रश्न बता रहा हूँ उस प्रश्न को समझते चलिएगा, प्रश्न ऐसा ही पूछेगा कि उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में प्रचलित भाव पर वृद्धि दर कितना रहा, तो 7.56%। वैसे ही सेवा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रचलित भाव पर वृद्धि दर कितना रहा, तो 12.79%। तो देखिए स्थिर भाव के आंकड़े को अलग याद रखिए, प्रचलित भाव के आंकड़े को अलग याद रखिएगा। थोड़ा आंकड़े लेंदी जरूर है लेकिन उसे अभी से याद करना चालू कीजिए, एग्ज़ाम को अभी टाइम है, इसे डेली डेली याद करोगे तो ये हो जाएगा। जीडीपी ग्रोथ रेट है आपका स्थिर भाव पर 6.65%, जबकि प्रचलित भाव पर है 11.22%, ये दोनों को भी याद रखिए। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं, ये वाला प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है, व्यापम ने वर्ष 2017 के एग्जाम में इसे पूछा था कि किस वित्तीय वर्ष में कृषि वृद्धि दर या कृषि विकास दर ऋणात्मक रही, तो याद रखिएगा वर्ष 2015-16 में स्थिर भाव पर कृषि में वृद्धि दर रही आपकी ऋणात्मक। ये आंकड़े याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, मैं ऐसे लिख दिया हूँ, -0.22% था। व्यापम ने प्रश्न पूछा था कि स्थिर भाव पर किस वित्तीय वर्ष में कृषि में वृद्धि दर या विकास दर ऋणात्मक रहा, तो उसमें ऐसे ईयर अलग अलग वित्तीय वर्ष का ईयर दिया हुआ था, तो उसका आंसर था 2015-16 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रहा। वैसे ही उद्योग क्षेत्र का भी दिया हुआ है, जब कृषि क्षेत्र का पूछ चुका है तो उद्योग क्षेत्र का भी हो सकता है, पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में जो वृद्धि दर था वो ऋणात्मक था, -1.55%, -1.55% उसका वृद्धि दर था। तो ये दोनों पॉइंट को थोड़ा सेपरेट याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में वृद्धि दर ऋणात्मक थी,
क्योंकि उस समय सूखा पड़ा था छत्तीसगढ़ में, जबकि वर्ष 2014-15 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक थी। ये दोनों के दोनों है आपके स्थिर भाव पर, ठीक है। बाकी सेवा क्षेत्र और जीडीपी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार भागीदारी, ये सारे के सारे चीज़ें आप अगर इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो ये आपको टेबुलेशन फॉर्म में यानी टेबल बना करके दिया हुआ है। मैं उसे थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने उसे थोड़े पाई डायग्राम के थ्रू उसे समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको भी आसानी से याद हो। ये सारे के सारे आंकड़ों को मैंने कंपाइल करके उसे पाई डायग्राम में बना दिया है। तो देखिए इसे समझिए, स्थिर भाव पर सकल घरेलू उत्पाद 2017-18, इसमें इसे देखिए स्थिर भाव पर, ये जो डायग्राम है ये स्थिर भाव पे आधारित है। इसमें सबसे पहले नंबर पर जीएसडीपी आकार, वर्ष 2017-18 में स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ का जीडीपी का आकार था आपका 227,866 करोड़ रुपए, यानी 227,866 करोड़ रुपए है आपके छत्तीसगढ़ का जीडीपी का आकार, लेकिन स्थिर भाव पर, समझिएगा स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है 227,866 करोड़ रुपए, यानी 227,866 करोड़ रुपए। तो ये जो पाई डायग्राम में इसे समझिए, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये 227,866 रुपए में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही, कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही और सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही, ये वही परसेंट है, ठीक है। तो ये जो जीएसडीपी या जीडीपी का जो आकार है, ये 227,866 रुपए में से उद्योग क्षेत्र की भागीदारी रही आपकी 47.65%, 47.65% रहा आपका उद्योग क्षेत्र का भागीदारी, कृषि क्षेत्र का भागीदारी रहा आपका 17.15%, यानी 17.15% रहा आपका कृषि क्षेत्र का भागीदारी, जबकि सेवा क्षेत्र का भागीदारी रहा आपका 35.20%, यानी 35.20%। तो याद रखिएगा कि स्थिर भाव पर सकल घरेलू उत्पाद 2017-18 में जीडीपी का आकार था 227,866 करोड़ रुपए, जिसमें उद्योग क्षेत्र की भागीदारी रही आपकी 47.65%, कृषि क्षेत्र की रही 17.15%, जबकि सेवा क्षेत्र की रही आपकी 35.20%। इसे ऐसे याद रखिएगा सिंपल, उद्योग क्षेत्र में 47%, सेवा क्षेत्र में 35%, कृषि क्षेत्र में 17%, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। एग्जैक्ट फ्रैक्शन के साथ याद भी नहीं रखोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए इसके अलावा स्थिर भाव पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि रहा आपका 6.65%, पहले भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, उसको यहाँ पर भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्थिर भाव का हो गया। अब देखिए प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद 2017-18, प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकार रहा आपका 291,681 करोड़ रुपए, 291,681 करोड़ रुपए रहा प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार। तो इस जीडीपी के आकार पर उद्योग क्षेत्र की भागीदारी, कृषि क्षेत्र की भागीदारी और सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी रही इस आकार में, तो देखिए 291,681 करोड़ में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी रही 41.01%, 41.01%, कृषि क्षेत्र का रहा आपका 22.16%, यानी 22.16%, जबकि सेवा क्षेत्र की भागीदारी रहा आपका 36.83%, यानी 36.83%। तो ये सारे आंकड़ों को याद रखिएगा, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, उद्योग क्षेत्र का 41%, सेवा क्षेत्र का 36%, कृषि क्षेत्र का 22%। नॉर्मली केवल स्टार्टिंग के दो डिजिट याद रखिए, बाकी ऑप्शन देख करके आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे ही प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद 2017-18 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही 11.22%। तो स्थिर भाव में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी प्रतिशत और प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी प्रतिशत, ये दोनों को सेपरेट याद कीजिएगा। इसे टेबुलेशन से याद करने से ज़्यादा बेटर होगा कि आप इस तरीके से इसे पाई चार्ट से याद कीजिए। इसके अलावा ये आंकड़े, ये दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों आंकड़ों को आप थोड़ा डेली रिविजन में लाइए, क्योंकि जैसे आप सभी को मालूम है कि पीएससी और व्यापार अब थोड़ा इकोनॉमिक से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा वाला टॉपिक हमारा आज यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा जो जिस पर हम चर्चा करेंगे
जनगणना वाले टॉपिक पर। ये सारे आंकड़ों को थोड़ा स्पेशली याद कीजिएगा, इसी में कन्फ्यूज़न आता है। स्थिर भाव की कीमतों पर, प्रचलित भाव की कीमतों पर इसे थोड़ा प्रश्न आए तो उसे सोच समझ कर उसे लगाइएगा। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।